आध्यात्मिक कल्याण महापदयात्रा रविवार को चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा स्थित शेषा अवतार कलाजी वेद पीठ एवं शोध संस्था के सहयोग से विशाल महापदयात्रा तथा भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होगा। एकोन विश्रांति कल्याण महाकुंभ का आयोजन 22 जून से 29 जून तक होगा। इसको लेकर आध्यात्मिक कल्याण महापदयात्रा 19 जून रविवार को निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ पहुंचेगी। इस पदयात्रा में भीषण गर्मी की दौर में हजारों श्रद्धालु पैदल यात्रा करते हुए चित्तौड़गढ़ पहुंचेंगे। जिला मुख्यालय पर विशाल शोभा यात्रा निकल जाएगी तथा दुर्गा के चरणों का पूजन कर कलाजी राठौर को निमंत्रण किया जाएगा। कल्याण महाकुंभ को लेकर आयोजन की शुरुआत हो चुकी है। श्रीमद् नारद महापुराण पारायण जारी है। 19वें कल्याण महाकुंभ के उपलक्ष्य में प्रथम जो आयोजन है वो निम्बाहेड़ा से चित्तौड़गढ़ पदयात्रा का है। उसमें 2 से 3 हज़ार लोग जो है तपती गर्मी के बीच वहाँ से सुबह 4 बजे निकल करके 10 बजे तक यहाँ पहुँचेंगे। किले पर छतरी पर जाकर के दर्शन करेंगे, उसके बाद उनको वापस बसों से रवाना किया जाएगा। उसके बाद अगला जो कार्यक्रम है मूल कार्यक्रम वो 22 से 29 जून तक कल्याण नगरी निम्बाहेड़ा में है। पहले दिन भव्य शोभा यात्रा होगी जिसमें 25 से 30 हज़ार लोगों की भागीदारी, 300 गांवों की प्रभात फेरियाँ, ऊना का बैंड, स्थानीय लोकल 21 बैंड और 51 मालवी ढोल के साथ हाथी घोड़े ऊँट सब कुछ शामिल होंगे। कई झांकियाँ शामिल होगी, विशेष आकर्षण का केंद्र होगा। मुख्य कार्यक्रम क्या क्या है 22 से 29? 22 से लेकर 29 के बीच में 8 दिवसीय पहली बार प्रदेश में नारदीय पुराण की कथा का आयोजन हो रहा है। 5 दिवसीय 51 कुंडी है विष्णु महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। अभी तक नारदीय पुराण के लिए 121 यजमानों के द्वारा पारायण का क्रम जारी है। जहाँ तक यज्ञ का मामला है, यज्ञ में अब तक जो है 1000 से अधिक यजमानों का पंजीयन हो चुका है। 29 तारीख को अंतिम दिवस सुबह 8:30 बजे यज्ञ की पूर्ण होती, 9:15 बजे मातृपितृ पूजन जो विशेष आकर्षण का केंद्र होगा, 11:15 बजे ध्वजारोहण और 12:32 पर ठाकुर सिंह के दिव्य दर्शन का कार्यक्रम।